हाय एवरीवन, आप सभी को स्वागत करता हूँ करण प्रताप टिप्स यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, ये स्क्रीन शॉट जो आप देख रहे हैं, ये स्क्रीन शॉट अगर आपकी फेसबुक आईडी लॉक हो जाते हैं तभी ये स्क्रीन शॉट सामने आते हैं। और आईडी लॉक क्यों होते हैं और क्या किस वजह से आईडी लॉक होते हैं, इस वीडियो में जानने वाले हैं। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपकी आईडी कभी भी लॉक नहीं होगा, आपकी आईडी कभी भी लॉक नहीं होगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, आपको मैं छोटी सी प्रोसेस में बताऊँगा। अगर आप वो प्रोसेस करके रखते हैं तो आपकी आईडी कभी लॉक होगा ही नहीं। तो चलिए बस बिना कोई टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए बस बिना कोई टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, फेसबुक आईडी इस तरह से लॉक क्यों होते हैं? तो लॉक होने का एक ही नियम है। तो देखिए, जब आप फेसबुक आईडी आप चला रहे हैं, आप ऑफिशियल फ़ोन में चला रहे हैं, जीमेल आईडी लोकेशन सब आपकी ओन है, आप अचानक से किसी को दूसरे को ईमेल आईडी पासवर्ड दे देते हैं, वो भी ओपन कर लेता है, तो क्या होता है, फेसबुक क्या सोचता है कि इसका आईडी जो है वो हैक कर लिया है, तो उस आईडी को लॉक कर देता है और आपकी आईडी को लॉक हो जाता है। अगर आपकी रियल आईडी है तो आप उसको कंफर्म दीजिए। कंफर्म देने के लिए आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आलतू फालतू बहुत सी डॉक्यूमेंट मांगेंगे। अगर आपको डॉक्यूमेंट में जो भी आईडी में डेट ऑफ बर्थ है और आपकी जो नाम है आईडी का, अगर आपका आधार कार्ड या भी डॉक्यूमेंट देंगे उसमें आपको मैच नहीं कर रहा, फिर आईडी आपको ओपन नहीं होगा। इसीलिए अगर आईडी भी बनाओ तो आप अपने रियल नेम से बनाओ। बहुत सारे फेक नेम्स बनाते हैं, लेकिन अगर आप फेक ही नेम से बनाते हैं, या अपना नाम जो है नहीं, जो आधार कार्ड पे मेरा कुछ और नाम है और मैं कुछ और नाम रखा हूँ, मान लेते हैं कि आपके नाम वो रियल नहीं है, लेकिन आपको एक सेटिंग करके रखें, ये वीडियो जो देख सकते हैं, वीडियो में बना रखा हूँ, ये वीडियो जाके देख लीजिएगा कंप्लीट, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। पासवर्ड, ईमेल आईडी दोनों दे देते हैं फिर भी आपकी आईडी हैक नहीं होगा। क्योंकि इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, इस वीडियो का लिंक आई बटन में डाल दूंगा या तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूंगा, जाके वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में आपको मैं पूरी प्रोसेस में बता दूं हैक से बचने का। तो इसी तरह से आपकी आईडी लॉक होने से बच सकता है। बहुत सारे से मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि मैं आपको भाई पैसे जो मांगोगे मैं उतना पैसे दे दूंगा, मेरा आईडी हैक हो गया, आईडी में लॉक लग गया, मेरे लॉक ही नहीं हट पास से कैसे आया। बोल रहे कि करण भैया, मैंने इसमें 40,000 इस आईडी में पैसे लगाए। हम बोले 40,000 फेसबुक आईडी में कहाँ लगाया? तो उससे बोला कि मैं फ्री फायर खेलता हूँ और उसमें 40,000 का टॉपअप किया हूँ, मतलब आज 500-200 ऐसे टॉपअप 40,000 रुपया उसमें आईडी में लगाया, तो उस आईडी को इस तरह से लॉक हो गया। आप लॉक हो गया तो भाई मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज किए कि बोल रहे हैं कि मेरा आईडी ओपन कर दो, आप जितना पैसा मांगे उतना पैसा दूंगा। आप कुछ उसमें प्रूफ भी नहीं दिए तो आपकी आईडी कैसे रिकवर होगा? और मैं भी आईडी रिकवर करूँगा तो मुझे भी प्रूफ चाहिए। आपकी जो भी मैं प्रूफ मांग रहा हूँ वो प्रूफ आपके पास है नहीं, तो मैं आपकी आईडी किस तरह के दूंगा, आपकी आईडी किस से लॉगिन में करूँगा? तो इसी तरह से आपकी जो मतलब आपकी जो भी रिलेटिव आईडी रहेगा तो सेटिंग सिक्योरिटी लगा के रखना है, क्योंकि अभी इसमें हर बंदे चालाक होते हैं, आपकी आईडी को चुटकी में हैक कर लेगा, आपको भी पता नहीं चलेगा कि आप मेरा आईडी हैक किसने किया। तो फ्रेंड्स, आप सबके मन में कोई भी सवाल है इस वीडियो को कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा और आप सभी का रिप्लाई देने का प्रयास करूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।